हेलो नमस्कार, सिला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बेबी जंप सूट बनाएंगे। ये बनाएंगे हम 4-5 साल की बेबीज के लिए, ठीक है, गर्ल बेबी गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये हमारा कपड़ा है, ये है 1 मीटर फैब्रिक, ये कॉटन फैब्रिक है, ठीक है। मैंने ये 1 मीटर लिया है, ऐसे देखिए, इसको ऐसे रख लिया है। इसमें से 10 इंच और ये 9 इंच इस तरह से हम निकाल लेंगे। जो हमने ये 10 इंच का निकाला है ये तो है टॉप के लिए, और नीचे ये जो निकाला है 12 इंच का ये है बॉटम के लिए। इसको हम अलग अलग कर लेंगे 1 मीटर में से, ऐसे फोल्ड करके। देखिए मैंने ऐसे 4 फोल्ड किया हुआ है इसको, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इस साइड में मैंने इनका ऐसे फोल्ड कर रखा, उस साइड में यहाँ से बंद हिस्सा है और ये है खुला हिस्सा, ओके। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने 9 रख लिया है, ओके, और जो एक्स्ट्रा था इसको मैंने काट दिया है, इसको उठा देते हैं। अब देखिए ऊपर तीरा लेंगे इसका, यहाँ से ऐसे, ठीक है, 5 इंच, और मुड्ढे लेंगे यहाँ पे, सॉरी 5.5, हाँ 5.5 इंच है ये, और 5.5 इंच ही हम मुड्ढे लेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे मिलाएंगे स्ट्रेट, बिल्कुल गोलाई नहीं करेंगे इसमें हम, ये बेबी जंप सूट है, ओके, ऐसे। अब इसको काट देंगे, ये हमें रखना नहीं है, ओके। ये तो हमारा हो गया टॉप, बस इतनी ही कटिंग होनी है टॉप की। इसको हम उठा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये हम बॉटम कटिंग करेंगे, और ये जो हमारा टॉप है ना, देखिए ऐसे रखेंगे टॉप को इस तरह से। नीचे देखिए यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे यू, और एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है हमारा, 1.5 इंच मैंने रखा हुआ है, देखिए 10.5 इंच है, तो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे निशान इस तरह भी लगा सकते हो आप, और इसको रख के भी लगा सकते हो, जो ये हमारा टॉप है इसको ऐसे रख के भी इस तरह से लगा सकते हो आप, ठीक है। और नीचे लेंगे 8 इंच का हम आसन, ऐसे, ये हमने लिया 8 इंच का आसन, और यहाँ पे भी हम 1.5 ऐसे लेंगे यू। अब इसको मिला देंगे स्केल की, या वैसे जैसे आपको अच्छा लगे, स्केल से भी मिला सकते हैं और इंची टेप से मिला सकते हैं, ठीक है। नीचे हम मोरी लेंगे इसकी 9 इंच की, ठीक है, बॉटम की जो हमने मोरी ली है ये 9 इंच की, इसको इस तरह यहाँ मिला देंगे। अब देखिए मिल गया। अब इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से, जो हमने मार्क किया है ना, निशान लगाया है यहाँ से, इस पे इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। सॉरी मैं यहाँ पे गोलाई करना भूल गई थी। अब ये 1.5 इंच है ना, तो 1.5 इंच ऊपर यहाँ पे लेंगे और ऐसे आसन की गोलाई करेंगे, उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। अब इसको उठा देंगे टॉप को, और बॉटम हमारी यहाँ से हो गई कंप्लीट, ये हमारी बॉटम हो चुकी है। अब हमारा नीचे जो कपड़ा बचा हुआ था ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। अब हम स्लीव्स लेंगे 12 इंच की, ठीक है, ऐसे 12 इंच कपड़ा। अब ये इस तरह ज्यादा, हमें 7 इंच का चाहिए, तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोबारा से यू, यू 7 इंच का रख लेंगे इसको, जो ज्यादा कपड़ा उसको हम निकाल देंगे। हाँ ये हमारा ठीक है, अब यहां तक 7 इंच, और एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारी बात जो मैंने देखी 12 इंच, 7 इंच, ठीक है, ये मैंने रख लिया है इसको। अब देखिए ये ऊपर का हिस्सा बाजू का, ठीक है,
यहाँ पे 4 इंच का मैंने निशान लगा दिया है, और 4 इंच के बाद ये हमारा जो टोप है ना, टोप को ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया था ना वहां से, और यहाँ पे लगा देंगे यू, ऐसे निशान लगा देंगे। और इसको हटा के ये बाजू की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये भी ध्यान रखना है, ये तो बंद हिस्सा है और ये है खुला हिस्सा, ठीक है, कई बार भूल जाते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें ऐसे। अब देखिए, ये तो हमारी है एस कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये सब एक जैसे दिखेंगे थोड़ी देर बाद, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे मैंने एस कर दिया, ठीक है। और ये टॉप है तो यहाँ पे टी कर देंगे, और हम इसको खोलेंगे ना, देखिए ये टॉप है, यहाँ पे टी कर देंगे, ओके। आप देखिए, अब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये दो पार्ट है ना, क्योंकि 4 फोल्ड किया था हमने, ऐसे कर देंगे इसको, खोल दिया, ये तो है हमारा टॉप। और अब देखिए स्लीव्स, ये है हमारी स्लीव्स, ये इसको यू रखेंगे, यू, ठीक है। और दूसरी स्लीव्स हमारी हो जाएगी यहाँ पे, ओके। अब देखिए, ऐसे इसको हम आराम से उठाने का आइडिया है, इसको ऐसे उठाएंगे यू, इसको ऊपर रखेंगे यू, पहले तो इस पे ज्वाइंट लगाएंगे, और फिर ये हमारा है जो यहाँ पे, इस पे लगाएंगे, ठीक है, पहले दोनों पार्टों पे एक एक स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे यू। ये तो टॉप है और ये हमारी स्लीव्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये हमारा मुंडा बनता है, इस पे हम सिलाई लगाएंगे यू रख के, ये हमारा फ्रंट या बैक कोई भी लगा सकते हो आप। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, ऐसे ही इस पे भी हम, ये टॉप है और ये स्लीव्स है, इसमें भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और इसको भी खोल लेंगे ऐसे। अब तो और स्लीव्स अलग अलग हो जाएंगे, और इस साइड भी इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमारी ये दूसरी स्लीव्स है ना, अब जैसे ये दूसरी स्लीव्स है, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे यू, ठीक है। हो गया हमारा, ये हमने स्लीव्स और टॉप दोनों को जॉइंट कर लिया है। अब ये मैंने उरेब की पट्टी ली है, उरेब पट्टी को मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, जो हमारा नेक है ना इसके ऊपर, ऐसे ये उल्टी साइड लगा के और सीधी साइड लेना है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारा नेक है पूरे नेक में ऐसे सिलाई लगा देंगे,
पूरे नेक में लगा के ऐसे, और सीधी साइड में इसको यू पलट देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, इसलिए अगर मैं पूरे में दिखाऊंगी तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया था और घुमा के राउंड में यहीं पे मैंने खत्म कर दिया। देखिए थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसको रख लिया है ऐसे, इन दोनों पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से पकड़ के। अब इस पे जॉइंट आई ओप कर दिया इसको मैंने, अभी पूरी में एक हो गई। अब देखिए ठीक है, अब इसको बाहर की साइड में ये उल्टी साइड से हमने लिया है और ये यहाँ पे यू करके बिल्कुल कम लेंगे और यू थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाएंगे पूरे नेक पे। ये जो हमारा बचेगा ना नेक के जैसा, इसी में से हमने इलास्टिक को डालना है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यू दबाते रहेंगे। देखिए ठीक है, ये सिलाई हम यहाँ तक वापस घुमा के लेके आएंगे, इतना हम ओपन छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए, ठीक है। देखिए अब जो हमारा नेक है इसमें हम 26 की इलास्टिक डालेंगे। ये हमारी इलास्टिक देखिए, ठीक है, छब्बीस की ये हम नेक में डालेंगे। तो ये सिलाई लगाई थी ना, यहाँ से शुरू करेंगे। पिन से भी डाल सकते हैं आप, किसी भी चीज से डाल सकते हैं। ये मेरे पास पेन है तो मैं इसी से डाल दूंगी इसके अंदर ऐसे करके, और यू जैसे नट डालते हैं ना ऐसे करके, मैं इसको डाल देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यू। जो हमारा ऊपर से नेक है इसको ऐसे खींच के हो गया, ये तो ऊपर का। तो अच्छा, अब हम बाजू को आगे से जो हमारी स्लीव्स है इसमें इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। इसमें हम 10 इंच की इलास्टिक डालेंगे। ये हमारी इलास्टिक है, ये 10 इंच, ठीक है, और ये हमारी स्लीव्स है। इस पे हम 3 इंच का निशान लगा लेंगे। आगे से मैंने एक पैर का फोल्ड कर लिया है इसको ऐसे, 2-3 जगह ऐसे लगा देंगे 3 इंच पे, और शुरुआत में यहाँ पे, ठीक है, हो गए 3 इंच पे इसको हटा देंगे और यहां से शुरू करेंगे। इलास्टिक को यहां रखेंगे, ये बाजू में 3 इंच का फ्रिल बना रहे हैं ना इसकी, इसलिए इसको हमने डाला है। एक ही जगह इसको हमने रफ कर दिया है और ऐसे खींचेंगे, खींच के बाजू के दूसरे हिस्से तक इलास्टिक को डाल दिया। ये नेक में डाल लिया, दोनों स्लीव्स में डाल लिया, ठीक है।
अब ये हमारा देखिए बेल्ट का कपड़ा है जो हम बेल्ट बनाएंगे और साइड में लगाएंगे, चार और साढ़े 21 इंच, ठीक है। ये 21.5 इंच की हमारी ये हमारी बेल्ट है और ये दो हैं, दोनों साइड में लगेंगी ये हमारी बेल्ट, ये देखिए, ठीक। अब इसको तैयार करेंगे। तैयार कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल वे में, ऐसे इसको फोल्ड करके यू यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे नीचे तक, ऐसे तैयार करके इसको सीधा कर लेंगे। फिर ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने जो बात जो है यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे हम ऐसे, ठीक है, यू और सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे ना तो यू मुड्डे से यहाँ नीचे बिल्कुल ये हम बेल्ट दबाएंगे, थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर दबाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम बॉटम को अटैच करेंगे तो यहाँ पे यू रख के इसको यू रख के अब ये सिलाई यू लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड में भी लगा देंगे, ठीक है ना। हमारे टॉप की जो सिलाई है पहले ये लगा देंगे, दूसरी साइड से भी यू ही लगाएंगे। एक इंच ऊपर, ठीक, यहाँ से यू इस तरह से यू पकड़ के और इसको ये साथ में हो गया। इसी तरह से हमारा जो टॉप का सेकंड दूसरा हिस्सा है ना ये यहाँ पे दूसरी साइड है यू करके इस पे भी सिलाई ऐसे ही लगाएंगे हम यू। और जो हमारी दूसरी बेल्ट है ये वो भी ऐसे ही 1 इंच ऊपर यहाँ रख के और सिलाई लगा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारा टॉप हो गया और ये अंदर की साइड में है हमारी बेल्ट, तो हो गया ना। अब इसको तो हम रख देंगे ऐसे और ये है हमारी बॉटम और बॉटम को ऐसे ओपन करेंगे यू और एक पैर की सिलाई तो यहाँ पे लगा देंगे, दोनों आसन को अटैच कर लेंगे, मतलब कहने का ये है ऐसे। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे। देखिए होगा कंप्लीट, हमारी बॉटम की आसन की सिलाई लग चुकी है और ये मैंने नीचे से है ना देखिए एक पैर की सिलाई जैसे बाजू पे लगाई थी ऐसे इस पे लगा दी है। अब देखिए ये हमारा टॉप पार्ट है, इसको मैंने सीधा कर लिया है, देखिए ठीक है, अपने टॉप को हमने सीधा कर लिया है। और ये है हमारा उल्टा हिस्सा, ये उल्टा है, ये जो बॉटम है ये उल्टी है और देखिए सेंटर इसका तो सेंटर हो जाता है आराम से ऐसे यू सेंटर करके यू एक तो कट यहां पे लगा देंगे इस पे हम यहां शुरू, ठीक साइड में ये तो सेंटर तो हो गया हमारा, साइड कट है ये देखिए ऐसे यहां पे इसमें लगा देंगे। और जो टॉप का पार्ट है
ये है हमारा सेंटर, तो इस पे लगा देंगे यहाँ पे, इस पे लगा दिया। अब देखिए, अब इसको इस तरह से यू पकड़ेंगे हमारे टॉप को और इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। अब हम हमारी ये बीच की जो सिलाई थी वो लग गई, अब रह गई आसन की सिलाई, जो बॉटम है वो इसकी यहाँ पे ये सिलाई लगेगी ऐसे यू करके। ये तो बिल्कुल आसान होती है, इजी है, आराम से हम लगा सकते हैं इसको। और इसको भी मिला के देखें, हाँ इक्वल इक्वल है हमारा, कहीं से घटता या बढ़ता है थोड़ा खींच लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, परफेक्ट कर सकते हैं। अब हो गया हमारा, जब सूट सिल के तैयार, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे ऐसे, निकालना इसको अच्छे से बॉटम को इसके अंदर से। और अभी मैं पूरी तरह से इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये हो गया हमारा बेबी जंप सूट सिल के तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।